हेलो गाइस, दिस इज वैभवी और मैं फिर आगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज है 5 अगस्त और हम लोग जाने वाले हैं भोजपुर। तो ये भोपाल से 17 किलोमीटर दूर है, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो आज मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ में होंगे। मतलब एक तो ये है प्रियंका और मैं भी हॉस्टल में हूँ। तो यहाँ से फिर हम लोग कैब करेंगे, फिर यहाँ से भोजपुर जाएंगे। तो चलो मिलते हैं आगे। मेरी फ्रेंड गुस्सा हो गई है क्योंकि हम उसको प्रियंका नहीं बुलाते, हम उसको पिंकू बुलाते हैं। तो वो कैमरे में, कैमरे का बहुत फायदा है पता है, दोस्त गुस्सा भी होता, कैमरा को मार दो ना तो हंसने लग जाता है। देख लेते हैं बाकी लोग रेडी हो रहे कि नहीं। अभी मेरी फ्रेंड आ रही है यहाँ पे। तो ये हेलो गाइस राची, तो ये भी हमारे साथ चलने वाली है और अब खूब मजा आने वाला है क्योंकि बारिश भी हो रही है और हम लोग बहुत भीगने वाले हैं। ये मेरा हॉस्टल है जहाँ मैं रहती हूँ। आज संडे है ना और अभी फेस्टिवल भी चल रहा है, तो बाहर बहुत सारी लड़कियाँ चली गई हैं घर पर। तो एक और फ्रेंड है, मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। मैं इनको बुलाना पड़ता है यार, सब कोई भी रेडी नहीं हो रहा है टाइम पे। ये मेरी फ्रेंड तोशिका, वो मेज संभाल रही है ना इसलिए। शिट, इतना अच्छा मेकअप किया था। गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मेरी पूरी गैंग है, देखिए पीछे तक एक पीछे आ रही है, बहुत लास्ट में। और हमारी कैब आ गई है गाइस, हम जा रहे हैं। बारिश होती है छाता दो, तो बारिश हो गई है तेज और हमने निकाल लिया अपना छाता। तो ना आप भीगो ना मैं भीगू, चलेंगे सब साथ में। हाय गाइस, वैसे एक मैं आपको बात बताती हूँ, हम लोगों के पास पहने कपड़े नहीं रहता हॉस्टल में। ये होता है कि एक दूसरे के कपड़े नहीं रहते हैं। तो इसने मेरा पहना है कुर्ता और मैंने इसका पहना है। तो ऐसे अभी हमारी जर्नी चल रही है एक दूसरे के कपड़े पहन के। और हम लोग ऐसे हैं सब कि एक दूसरे के कपड़े हमको आ भी जाते हैं एक को छोड़ के। इतने पतले पतले आओ यार, तो लास्ट तक हेलो कर। तो मैं भी आपको बताऊंगी मेरा हॉस्टल कैसा है। देखिए तो ये बाहर का थोड़ा नज़ारा है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं आ सकता है, गर्ल्स है तो गर्ल्स ही आ सकते। लोग छाते लेके आ गए और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है गाइस। और ये इधर भी एक हॉस्टल है, वो भी गर्ल्स हॉस्टल है। तो हम व्यू के अंदर, और ये बहुत जंगल जैसा होते जा रहा है पता, जितनी बारिश हो रही है ये पूरा जंगल जैसे होते जा रहा है। ये मेरा हॉस्टल, ये घास से कुछ भी आ जाता है यहाँ पे, कुछ भी। हाँ सिक्योरिटी तो है लड़कियों की, पर ये जानवरों से कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे। अभी आगे चलेंगे फिर देखते हैं। तो हमारी कैब आ गई है, सामने खड़ी हुई है। मैं शायद मुझे लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए। छाते ही बंद नहीं हो रहा लड़की से, पीजी करने आए, छाता बंद नहीं हो रहा। इधर बाहर ही रख ले छाता, विंडो से खोलना तो पड़ेगा ही। गाइस तो हम लोग घुस के देख चुके हैं, चार लोग पांच लोग, एक को आगे बैठा है। एक और होती तो शायद ड्राइवर को उठाना पड़ता, कोई चला गया डायरेक्ट दर्शन करता। हाँ, दर्शन सीधे सीधे दर्शन करते हैं ऊपर भगवान के। दोस्तों भोजपुर के लिए निकल चुके हैं। गाइस हमारे कैंपस का ये मेन गेट है। बालों से पूरी अच्छे से होगी, गिले गिले बाल अलग है। हम लोग रात कल रात को सोए नहीं, फ्रेंडशिप डे था तो सबको विश करने बैठ गए और इतनी बातें
ज्यादा पानी है यो, बहुत पानी है। लोग आ गए हैं तो पास में ही है भोजपुर मंदिर और हम लोग आगे उतर गए क्योंकि आगे जाने के लिए ना यहाँ पे पार्किंग के पहले से पैसे लेने लग गए थे 20 रुपये, तो पहले ही हम लोग क्वांटी करके आए हैं। हाँ वो तो है, दूर से सावन का टाइम चल रहा है और हम लोग संडे को आए हैं तो आज इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कल तो हमारी क्लासेस होंगी वैसे, संडे तो हम लोग आ गए आज प्लान करके। इस वाले रास्ते में बहुत भीड़ होती है और ये वाला पूरा खाली रहता है तो ये ज़्यादा सही रहेगा इसके मुताबिक तो। और हम मंदिर आ गए भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अधूरा शिवलिंग है। ये भोजपुर मंदिर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने किया था। ये मंदिर प्रकृति के बीच बना हुआ है जहाँ से बेतवा नदी गुजरती है उसी से सटे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ की, बहुत तेज बारिश भी हो रही है। वो तो हम लोग अच्छा वो छाता लेके आए हैं। चुप राजी, बच गए हम लोग यहाँ पे तो बच्चे बच्चे हमसे छाते तो वो बंदर बैठे हैं। ओ प्राची तो बैठी है, ओ टिंकू भी बैठी है, टिंकू प्राची और वो दो लोग। यहाँ बंदर घूम रहे हैं, टिंकू अपनी टोकनी संभालना, ले जाते हैं बीच पे प्रसाद। भोजपुर टेम्पल को भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह इकलौता एक ऐसा शिवलिंग है जो एक पत्थर से बना हुआ। भोजपुर का यह शिव मंदिर अधूरा है, अद्भुत है लेकिन अनेकों रहस्यों से भरा हुआ भी है। भोजेश्वर महादेव मंदिर की एक विशेषता यह है कि यह सबसे बड़ा और विशाल शिवलिंग है जिसे उत्तर भारत का सोम भी कहा जाता है। तो चलो जानते हैं एक रात में इस मंदिर के बनने की कहानी। हालांकि मंदिर के निर्माण का श्रेय मध्य भारत के परमार वंशी राजा भोजदेव को जाता है। राजा भोजदेव कला स्थापत्य एवं विद्या के महान लेखक भी थे। हालांकि कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक रात में पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यहीं आसपास वनों में निवास कर रहे थे। इसी दौरान भीम ने विशाल पत्थरों से एक ही इस मंदिर का निर्माण किया और शिवलिंग की स्थापना की जिससे माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर सके। लेकिन अज्ञातवास के कारण यह मंदिर एक रात में पूर्ण ना हो सका और अधूरा ही रह गया। पौराणिक यह शिवलिंग यहाँ पर पूजा अर्चना करने का तरीका एकदम अलग है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि आप यहाँ खड़े होकर भी अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ अभिषेक हमेशा जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। कुछ समय पहले श्रद्धालु भी जलहरी तक पूजा कर सकते थे लेकिन अब पुजारी ही वहाँ तक जा सकते हैं। अगर देखा जाए इस मंदिर के दरवाजे को तो इस मंदिर का दरवाजा किसी अन्य मंदिर की इमारत के दरवाजे से काफ़ी बड़ा है। भोजेश्वर महादेव मंदिर में साल में 2 बार मेले लगते हैं, एक मकर संक्रांति के दिन और दूसरा महाशिवरात्रि के दिन। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बारिश इतनी हो रही है कि यहाँ का गेट लगा हुआ है, मेन गेट ही लगा हुआ है, नहीं तो अंदर से बहुत अच्छा नज़ारा आता है। मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ, क्या चैनल गेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये गेट लगा हुआ है तो अंदर का व्यू ना बहुत प्यारा है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ,
तो गाइस अब हम लोग मंदिर से रिटर्न हो रहे हैं, वापस अपने हॉस्टल जा रहे हैं। और यहाँ पर आप जब भी भोपाल आइए यहाँ पे जरूर आइएगा, सावन के टाइम में जगह बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ। आप आइए जरूर, महादेव के दर्शन करके जाइएगा। आप जब भी भोपाल आए यहाँ पे जरूर आइएगा। हाँ, दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं, सामने मंदिर बाहर से भी हो जाते हैं, कोई भीड़ भी नहीं है ज्यादा। हाँ, भीड़ भी नहीं है, पर मंदिर कल होगी भीड़ तो आज नहीं है। हाँ, कल क्योंकि सावन सोमवार है तो ज्यादा भीड़ रहती है। तो हमारा फ्रेंडशिप डे आज ही था और हमने बहुत इंजॉय किया आज के दिन। अम्ब्रेला में अपना अम्ब्रेला ले आ रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।